गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्दू ऑफ क्लास फिफ्थ। एज यू नो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 7 एंड टुडे वी विल डू लेसन नंबर 8 और 9। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होने वाले हैं और हमें अपना सिलेबस कम्प्लीट करना है। और आपके जो हाफ ईयरली सिलेबस में हैं वो 9 चैप्टर्स हैं, तो आज हम अपना लेसन नंबर 8 और 9 कंप्लीट करेंगे। तो बी रेडी विद योर बुक एंड नोटबुक एंड ओपन द लेसन नंबर 8। तो बच्चों ये है आपका लेसन नंबर 8, हमज़ा का इयादा। हमज़ा का इयादा इसमें जो है द रिविज़न ऑफ हमज़ा, इसमें हमज़ा के बारे में बताया गया। जैसे है आपका पहला ही, इसे आप मेरे साथ रीडिंग करिए, मलाई यानी कि क्रीम, सुई, निडिल, गाय, काओ, चाय, टी। तो इसमें जो हमज़ा अगर छोटी ये के साथ मिलेगा और जेर लगेगा तो ई की आवाज़ निकलेगी, जैसे मीम ज़बा मा लाम अली ज़बल्ला, हमज़ा ये जेर ई, ऐसी सुई सीन वापिश सु हमज़ा ये जेर ई सुई, ऐसी अगर बड़ी ये के साथ लगेगा तो एक ही आवाज़ निकलेगी, गा फलीजा गा हमज़ा ये जेर ए गाए, चे अलीजा चा हमज़ा ये जेर ए चाए। तो अब देखिए इसमें आगे के जो अल्फाज हैं वो मेरे साथ आप पढ़िए, आई काई दाई आए पाए लाए, फिर है आपका नाई, और हमज़ा वाओ के साथ और पेश के साथ लगेगा तो होगा ओ की आवाज़ निकालेगा, जैसे खाओ लाओ आओ नाओ वो सॉरी ताओ नाओ पाओ, और उसके बाद है चाय। अब इसमें है ठहर जाइए, इसमें जा और ये जेर ई हमज़ा ये जेर ए जाइए ठहर जाइए, फिर है कीजिए पीजिए पाइए आइए पढ़िए और लाइए। तो ये है, इसके बाद हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज, ये मश जो है इसमें आपको क्या करना है, पहले में आपको हमज़ा लगाना वो सॉरी मद लगाना है। तो इसमें देखिए जो पहला वाला अलीफ़ है उस पर हमें मत लगाया तो बना आराम, फिर आदाब, फिर आओ और आप, फिर है आपका जज़म। जज़म आपको लगाना है तो हमने इस पर लगाया सीन रे ज़बर सर दाल ये ज़र दी सर्दी, नून अलीफ ज़बर ना काफ साकिन नाक अलि वापिश ऊ नून साकिन ऊन पे वाव ज़बर पौ और दाल अली ज़बरदा पौधा। अब आखिर में जो है आपका वो फिर है हमज़ा लगाइए और पढ़िए। तो इसमें है मलाई दाई आए और नाई। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट चैप्टर। बच्चों ये जो आपका वर्क है ये वाला, ये आपको होमवर्क में अपनी कॉपी में करना है, जो एक्सरसाइज है मश्क वाला ये जो है, ठीक है ना। और अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में बच्चों आपको जो है वह है नून गुन्ना, नून गुन्ना सिखाया है। नून गुन्ना जो है इसमें आवाज़ नाक में निकलती है, रिवीजन ऑफ नून गुन्ना। तो इसमें क्या है, अब जैसे आँख है तो इसमें हमने लिखा तो है नून, लेकिन हम इसे पूरा पढ़ेंगे नहीं, ये नाक में आवाज़ लगी तो हम पढ़ेंगे आँख पाँच। और इसमें बच्चों जो है आपको जैसे कहीं पर हमने आँख लिखा अलि मज़बरा नून काफ और हे, तो आँख में जो ही हमने नून लिखा तो पूरा है लेकिन हम इसे नाक में पढ़ेंगे, तो हम इस पर ऐसे उल्टा एरो लगाते हैं, ये जो है हमारा नून गुन्ने का निशान है। तो ये हम लगाएंगे तो इससे पता चलेगा कि ये नून गुन्ना है, तो हमने इस पर लगाया। जैसे अब देखिए आप आगे वाले अल्फाज पे है पाँच, तो इसमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये आवाज़ नाक में निकलेगी, ये नून गुन्ना है, वरना हम कैसे पहचानेंगे कि ये नून गुन्ना है या पूरा नून है। अब है चाँद ऊँट गुम्बद चोंच माँ, और जहाँ नून गुन्ना आखिर में आएगा तो वहाँ पे नून गुन्ना
पूरा बनेगा ऐसे, उसमें बस नुक्ता नहीं लगाते जैसे माँ में। अब है होंठ, इसमें बीच में आया है तो यहाँ पे पूरा नून बना के और हम क्या करेंगे ऐसे करके एरो ऊपर को लगा देंगे। अब देखिए आगे के, जैसे है हाँ, यहाँ जहाँ वहाँ गाँव पाँव, तो इसमें सब में नून गुन्ना आखिर में आया है तो हमने यहाँ पे नून गुन्ना बनाया है। अब है जहाँ बीच में आ रहा है वहाँ पे हम नून बनाकर और उस पर नून गुन्ने का निशान बनाएंगे। तो देखिए इसमें रंग दंग संग जंग शुम्बा दुम्बा ऊंट ईंट होंठ अंबर आए उन्हें, तो ये सब जो हैं आपके नून गुन्ना के अल्फाज हैं। अब हैं इन अल्फाज में नून गुन्ना या नून गुन्ने का निशान लगाकर पढ़ें। तो यहाँ पर हमने लगाया है, देखो शुरू जो लाइन है यहाँ पर हमने नून गुन्ना यहाँ पे चार अल्फाज में पूरा पूरा बना है, और उसके बाद जो है ये सब में नून है तो यहाँ पर हम यहाँ जो है निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ नून है तो वहाँ वहाँ ऐसा निशान नून गुन्ने का लगाएंगे। और ये वाला वर्क जो है आपको ये अपनी कॉपी में करना है। और बच्चों ये ध्यान रखें कि आपका जो है वो पेपर इनसाइड से भी आएंगे, इसमें जो क्वेश्चन है तो इसमें जैसे आपको ये जो एक्सरसाइज दी है तो ये मत सोचना कि आपको यहाँ यही वाला दे देंगे, जैसे जंग है छाट डाट ऊपर के जो अल्फाज हैं वो भी दे सकते हैं, तो उसमें से आप जो है देख कर और वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है हमारा तशदीद का इस्तेमाल। तो इसमें है तशदीद, तशदीद जहाँ पे लफ्ज़ को दो बार पढ़ते हैं वहाँ लगाई जाती है, जैसे बल्लाल, इसमें लाम को दो बार पढ़ा है बल्ला, फिर है गन्ना, बल्ला बैट गन्ना शुगर केन, बिल्ली डिब्बा लट्टू कौवा रस्सी और बत्तख। अब इसमें नीचे पढ़िए बच्चा यक्का चक्की अबू अम्मी बच्चे सच्चे चुन्नू मुन्ना मुन्नी इज्जत मन्नत जन्नत सल्लू चप्पू और गुड्डू। अब जो है यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज है इसमें आपको तशदीद लगानी है, तो देखिए इसमें है गड्ढा, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें जो डाल है उस पे ही तजदीद लगानी है, अगर इधर उधर आप कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर है आपका हड्डी जमन, इसमें मीम पे बनेगी पक्का रस्सा टट्टू गद्दा अद्धा शब्बू बन्नो नन्हे और नन्ही। तो ये वाली जो आपको एक्सरसाइज है ये भी आपको होमवर्क में करनी है, ये वाली एक्सरसाइज जो है आपको। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसमें आपको जो है इसमें भी एक्सरसाइज दी गई है, इसमें है हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाइए, जैसे मीम अलिफ नून और गाफ को बना के नून बनाया है मांग, और मीम अलिफ और नून गुन्ना मिला के बनाया है माँ। तो इसमें यहाँ पे है जीम वाव अलिफ और नून, तो यहाँ बना जवा, फिर काफ हे अलिफ और नून कहाँ, एन नून बे और रे अंबर, गाफ अलिफ हमज़ा वाओ और नून गुना गाँव, फिर है आपका इधर वाला लाम वाओ नून गुना गाफ लौंग, फिर है दाल नून बे और हे, तो दुम्बा, तो दुम्बे में आप ध्यान रखें, देखें दुम्बा में दाल नून बे और हे आखिर में ऐसे बनता है, तो ये दुम्बा, और अगर ये वाला हे जो होता है ये आखिर में है तो ऐसे बनेगा, और बीच में है तो ऐसे, जैसे कहाँ में है तो काफ हे अलिफ और नून गुन्ना, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये बीच में आएगा कहाँ। अब देखिए दुम्बा, फिर है आ आँखें, आँखें तो आंखें जो है इसे मैंने आंख लिखा है तो आप इसे आंखें कर लें।
अलिफ नून काफ हे और ये और नून गुना आँखें, ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे करके लिख लीजिए आँखें। फिर है आपका चांद, चांद में चे अलिफ द बच्चा नून और दाल, यहाँ पे हम नून गुना लगाएंगे, यहाँ पे आखिर में आ गया नून गुना, तो ये हो गया आपका चांद। अब है आपका दर्जा ज़ेल अल्फा के मुनासिब जगह तजदीद लगाएं, तो आप देखिए इसमें चक्की है, चक्की में काफ लगेगा, मक्खी में काफ पे, बत्तख में तोए पे, मोहब्बत में बे पे, मुरव्वत में वाव पे, अच्छा तो इसमें चे दोबारा पड़ गया तो चे पे, गुड्डू में डाल पे, लड्डू में भी डाल पे, बन्ने में नून पर, अमुन्ने में भी नून पे, गन्ना में नून पे, डब्बा में बे पे, अबू में भी बे पे, अम्मी में मीम पे, और रस्सी में सीन पे, हमें तशदीद लगानी है। और नीचे जो आपको दिए हैं इनकी आपको खुशखत करनी है, मींस आपको इसकी राइटिंग करनी है, आपको देख के इसे कॉपी करना है, साफ साफ लिखना है। और जो ऊपर की ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं ये आप होमवर्क में करेंगे, ये वाली और ये वाली दोनों होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों ये आप इसे लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में वर्क करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।